आज पंजाब हिंदू टेररिस्ट विक्टिम माइग्रेंट रिहैबिटेशन एसोसिएशन का एक शिष्टमंडल प्रधान पलविंदर शर्मा, चेयरमैन सतीश शर्मा एवं जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र मतेवाल के नेतृत्व में ब्राह्मण सभा पठानकोट के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा से मिले और उनको दरपेश आ रही मुश्किलों से अवगत करवाया गया और एक मांग पत्र दिया गया है, जिसमें उन्होंने निवेदन किया है कि सरकार द्वारा जो 5-5 मरले के प्लॉट पठानकोट कॉरपोरेशन के अधीन की जमीन में से देने को कहा गया था और पठानकोट की कॉरपोरेशन ने इस मसले पर एक सब कमेटी का गठन करने का आश्वासन उन्हें दिया था, लेकिन आज इस विषय पर कॉरपोरेशन की ओर से कोई कमेटी का गठन नहीं किया गया, जो कि उनके साथ नाइंसाफी है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 781 करोड़ रुपए का एक पैकेज अनाउंस किया हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5-5 लाख रुपए सभी माइग्रेंट परिवारों को देने का वादा किया था और इस विषय पर कमीशन के गठन करने का निर्णय लिया गया था। आज तक उसका गठन नहीं हुआ, वर्षों बीत जाने के बाद भी आज तक उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। केंद्र सरकार और पंजाब सरकार ने हमेशा उन्हें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है और जब भी चुनाव आते हैं तो उनसे बड़े बड़े वादे दावे करके वोट हासिल कर लिए जाते हैं और सरकार बनने के बाद हमें धक्के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। पलविंदर शर्मा मेरे नाल मेरे सारे अहुदेदार साथी, असी अज श्री अश्विनी शर्मा जी प्रधान ब्राह्मण सभा पठानकोट जी दे कोल अपने सारा शिष्टमंडल लैके आए हाँ कि साडा जिहड़ा प्लाटां दा मसला ते जिहड़ा मोदी साहब ने कहा सीगा 5-5 लाख देण वल्लों, अज इहनां कोल असी अपनी बेनती लैके आए हाँ ब्राह्मण सभा दे कोल। नाल नवीं सरकार भी बनी आ जिहदे विच साडे अश्विनी शर्मा प्रधान ब्राह्मण सभा जी दा काफ़ी सहयोग और हाथ भी आ। असी बेनती करते हैं अश्विनी शर्मा जी नूं, प्रधान जी नूं, कि साड़ियां ये प्लाटां दी मंग आ जिहड़ी इहनू छेती तो छेती पूरी करवाउण, क्योंकि ये मता पिछली सरकार दी सरकार ने पास किया होया अपनी कमेटी विच, उस मते दे उत्ते गौर करवाउण। ये प्रधान जी नूं असीं इहो बेनती करन लई सारा शिष्टमंडल आए हाँ। धन्नवाद प्रधान जी दा ते सारी प्रैस दा। अज श्री ब्राह्मण सभा पठानकोट के प्रांगण के पंजाब हिंदू टैररिस्ट विक्टमाइज्ड जो माइग्रेंट रीहैबिटेशन की एसोसीएशन जी है पूरे पंजाब की, वो प्रतिनिधि श्री सतीश कुमार जी, श्री सुरेंद्र शर्मा जी प्रधान जी, श्री पलविंदर शर्मा जी, इन्हां दे नाल तुसीं देख रहे हो बड़ी वड्डी संख्या दे विच लोग जो विक्टिमाइज्ड ने वो सारे इत्थे पहुँचे ने और उन्हां दी लगातार पिछले 35 साल तो मंग चली आ रही है। जो पंजाब सरकार ने 1987 दे विच इन्हां सारे लोगों नाल एक वादा कीता सीगा कि जिहड़े बेघर लोग ने उन्हां नूं वो जब तक उन्हां नूं घरां दी अलॉटमेंट या जमीन दी अलॉटमेंट नहीं कराएगी तद तक किराया भी उन्हां नूं दित्ता जाएगा। लेकिन बड़े अफसोस की गल है कि 35 साल का समा गुजर गया, सरकार ने अपने इस वादे नूं कुछ देर निभा के उन्हें बंद कर दिया। उस तो बाद सारे लोग जिहड़े ने लगातार इस गल दे लई संघर्ष कर रहे हैं कि इन्हां नूं जिहड़ा है जमीन दित्ती जाए ताकि ये अपने उत्थे गरौंदे बना सकन। लेकिन पिछले 35 साल तो तरह तरह के इन्होंने यतन किए ने, धरने लाए ने, कई कुछ किया, लेकिन इन्हां नूं कुछ हासिल नहीं होया। नगर निगम पठानकोट ने 24 दिसंबर नूं एक रेजोल्यूशन पास किया कि जिन्ने लोग ने संख्या दे विच उन्हां लोगों नूं नगर निगम अपने तौर दे उत्ते जिहड़ी जमीन है नगर निगम कोल वख वख पिंडां दे विच उत्थे इन्हां नूं बसाउण दे लई जमीन देगा। लेकिन ये प्रक्रिया जिहड़ी है ये निगम नूं तो पहलां भी डिप्टी कमिश्नर लैवल ते और पूरे पंजाब लैवल ते CM साहब दे लगातार चल रही सी, लेकिन हुण भी जिहड़ा हैगा भई नगर निगम ने मता पास कर दिता और उहदे विच इह कर दिता भई इहदी सब कमेटी बनाई जाएगी जो इन्हां सारियां चीज़ां नूं देखेगी। और मैनू अफसोस नाल कहना पै रिहा भी अज तक कोई भी सब कमेटी जिहड़ी है इहदे उत्ते नहीं बनाई गई हैगी और इत्थों पता लगदा भी जिहड़ा प्रशासन हैगा उह किन्ना कु ज़्यादा सीरीयस है इस काम दे लई। इस दे अलावा एक होर मंग हैगी है जिहड़ी सेंटर गवर्नमेंट नाल संबंधित है। सेंटर गवर्नमेंट ने साडे
प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिती सी पब्लिक मीटिंग दे विच, जिदे विच उन्होंने कहा सीगा कि ये सारे जिहड़े 35,000 लोग जिहड़े विक्टिमाइज्ड होए ने, रीहैबिटेट नहीं हो पाए या इन्हां नूं जिहड़ियां भी दरपेश हैगियां ने कठिनाइयां, उहदे मद्देनज़र एक पूरे एक कमीशन बनाया जाएगा। लेकिन हाले तक भी सरकारां जिहड़ियां जिन्नियां भी सरकारां अज तक आईयां ने, चाहे वह कांग्रेस की सरकार सीगी, चाहे वह बीजेपी अकाली गठबंधन सीगा, सारिया ने इन्हों सिर्फ लारा और वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की है। लेकिन अज ब्राह्मण सभा के नाल जो इन्होंने मुलाकात हुई है, ब्राह्मण सभा पठानकोट ही नहीं पूरे पंजाब की ब्राह्मण सभा जी है इन्हों के नाल लाहेबंद है, और असी इन्हों हर मुश्किल भी खलोते थे, और जिस वेले भी ये आने वाले समय के कोई संघर्ष रंभते हैं तो असी वो संघर्ष के शामिल होवांगे और पूरा पंजाब इन्हें नाल शामिल होएगा। और मेरी समाज के वक् वक् लोगों सारे अपील है कि सारे लोग 35 साल का एडा वड्डा अरसा गुजर चुका और जो लोग है संघर्ष कर रहे हैं, इस सरकारों के लिए बड़ा ही शर्मनाक जड़ा है काम है। सरकारों को चाहिए भी अपने लोगों की गलों सुनना और उन्होंने जोड़ा है इंसाफ देना। 29 तरीक असी पंजाब लैवल से भी इस मसले में जोड़ा है ब्राह्मण सभा का जो सम्मेलन हो जा रहा उदे उत्ते भी जोड़ा है मेमोरेंडम जोड़ा उत्तर सौंपांगे। अज असी इन्हों को मेमोरेंडम इन्हों का प्राप्त कर लिया, वो मेमोरेंडम ब्राह्मण सभा अपना रेजोल्यूशन पा के जोड़ा वो भेजेगी।